रश्मिका मंदाना और रणवीर कपूर की जोड़ी ने स्क्रीन पर अपने आने से पहले ही फैंस का दिल जीत लिया है। इन दोनों की शानदार केमिस्ट्री कबीर सिंह के निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म एनिमल में पहली बार फैंस को देखने को मिलेगी। इस एक्शन ड्रामा फिल्म में बॉलीवुड के सांवरिया रणवीर कपूर पहली बार गैंगस्टर बनकर नजर आने वाले हैं। एनिमल के धमाकेदार टीजर के बाद अब फिल्म का पहला गाना हुआ मैं रिलीज हो चुका है, जिसमें रणवीर कपूर और रश्मिका मंदाना परिवार को सामने देखकर भी एक दूसरे के प्यार में डूबे नजर आ रहे हैं। रणवीर कपूर और रश्मिका मंदाना स्टारर एनिमल का ये पहला गाना हुआ मैं एक रोमांटिक ट्रैक है, जिसमें रणवीर कपूर और रश्मिका मंदाना की लव स्टोरी को दर्शाया गया है। 2 मिनट्स 45 सेकेंड्स के इस गाने में रणवीर कपूर और रश्मिका मंदाना दुनिया से बेपरवाह हुए एक दूसरे के साथ किस करते हुए नजर आ रहे हैं। इस गाने की शुरुआत होती है गीतांजलि यानी रश्मिका मंदाना के परिवार की डांट के साथ, जिसे रणवीर कपूर और अपनी बेटी का रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं होता। वो दोनों को दूर करना चाहते हैं, लेकिन दोनों सबके सामने भी लिप लॉक करने लगते हैं। दोनों के ज़्यादातर किसिंग सीन डाले गए हैं। रणवीर कपूर रश्मिका मंदाना की केमिस्ट्री फैंस को काफ़ी पसंद आ रही है। दोनों के इस रोमांटिक ट्रैक को 1 घंटे में 7 लाख से ज़्यादा के व्यूज़ मिल चुके हैं। संदीप रेड्डी वांगा के निर्देशन में बनी एनिमल के पहले रोमांटिक ट्रैक हुआ मैं को राघव चैतन्य और प्रीतम ने गाया है। इसके अलावा इस गाने के लिरिक्स मनोज मुंतशीर शुक्ला ने लिखे हैं, जो इससे पहले कई गाने लिख चुके हैं। आपको बता दें कि ब्रह्मास्त्र के बाद रणवीर कपूर के करियर की ये दूसरी फिल्म है जो पैन इंडिया रिलीज होने जा रही है। फिल्म एनिमल को 1 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज़ किया जाएगा, जो हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगू, कन्नड़ और मलयालम भाषा में भी रिलीज़ होगी। फिल्म में रणवीर कपूर, रश्मिका मंदाना के अलावा बॉबी देओल और अनिल कपूर भी इम्पोर्टेंट रोल में नजर आएंगे।